हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जिनके इर्द गिर्द हरियाणा की राजनीति घूमती थी। चौधरी बंसीलाल जब तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती थी। चाहे वो दौर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का था, चाहे वो दौर स्वर्गीय संजय गांधी का था, चाहे वो दौर स्वर्गीय राजीव गांधी का था। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया चौधरी बंसीलाल ने, कांग्रेस छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई हरियाणा विकास पार्टी, और 1996 में हरियाणा में अपनी सरकार बनाई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इतिहास दोहराया करता है खुद को। चौधरी बंसीलाल बाद में कांग्रेस में वापस आ गए। चौधरी बंसीलाल का बेटे सुरेंद्र सिंह 2005 में विधायक बने, हरियाणा की भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के अंदर मंत्री बने, लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। चौधरी सुरेंद्र सिंह विमान दुर्घटना में हादसे का शिकार हो गए और इधर राजनीति में सक्रिय हो गई सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी। किरण चौधरी की भी मैडम सोनिया गांधी के साथ बहुत नज़दीकी बताई जाती थी, लेकिन वक्त फिर पलटता है। अब 2024 है, किरण चौधरी लगातार 2005 के बाद जो उपचुनाव हुआ, 2009, 2014, 2019 लगातार तोशाम से विधायक चली आ रही हैं। अपनी सुपुत्री को टिकट दिलवाया कांग्रेस का, लोकसभा का, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से, भिवानी सीट से। बेटी को एक बार सांसद बनाया, लगातार बेटी श्रुति बेटी दो बार सांसद का चुनाव हार गई, 2014 में और 2019 में। 2024 के लिए पूरी कश्मकश है। श्रुति चौधरी के लिए टिकट चाहती हैं किरण चौधरी, लेकिन कई बार आपके साथ, आपके द्वारा किया गया कोई कार्य, चाहे वो जानबूझ के हो या अनजाने में हो, वो कई बार आपको नुकसान दे जाता है। लगभग 5 साल पहले हरियाणा के अंदर एक राज्यसभा का चुनाव हुआ था। वो चुनाव था, अजय माकन उस चुनाव के अंदर कैंडिडेट थे और अजय माकन उस चुनाव में हार गए थे। अजय माकन के चुनाव हारने के बाद में कहा यह गया कि उनके चुनाव हारने के पीछे एक बड़ा कारण रहा कि किरण चौधरी ने, मैडम किरण ने अपने वोट को गलत तरीके से डाल दिया था। अजय माकन की तरफ से भी ये बात निकली, आई सामने। अजय माकन ने भी ये बात कही कहीं, हालांकि खुला बयान तो उनका कम सुनने में मिलेगा, लेकिन ये बात कांग्रेस के अंदर बहुत सुन सकते हैं आप। और अब जब 2024 की लड़ाई है, मैडम किरण चौधरी पूरे जोर शोर से लगी हुई हैं। किरण चौधरी चाहती हैं श्रुति चौधरी को चुनाव मैदान में फिर से उतारा जाए, तीसरी बार एक बार फिर से टिकट दिया जाए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर किरण चौधरी के विरोधी जो दूसरा ग्रुप है, उन्होंने वो बात जो राज्यसभा के अंदर अजय माकन के हारने की बात थी, वो कांग्रेस आला कमान को भूलने नहीं दे रहा। अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल किरण चौधरी परसों 2 दिन पहले मैडम सोनिया गांधी के दरबार में गई थी उनके पास मिलने के लिए। लेकिन जो मेरे राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि किरण चौधरी को सोनिया गांधी जी ने मिलने का समय नहीं दिया। किरण चौधरी को सोनिया गांधी जी की तरफ से मिलने का समय नहीं मिला, जिस शिद्दत के साथ, जिस उम्मीद के साथ वो गई थी, जो बात अपनी कहना चाहती थी, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो बात अपनी नहीं पहुंचा पाई। हालांकि चर्चाएं इस बीच ये चल पड़ी कि क्या श्रुति चौधरी की बजाय किरण चौधरी कैंडिडेट हो जाएं, क्या माँ ना, बेटी ना लड़े तो माँ को टिकट दिया जाए, क्या बेटी को चुनाव ना लड़ाया जाए। क्योंकि एक बात और है कांग्रेस के अंदर, एक बात चल पड़ी है पिछले काफ़ी समय से, अगले वीडियो में भी आपसे चर्चा करूंगा कि एक संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में जो नेता लगातार 2 बार हारा है, या जिस नेता की, जिस समुदाय से, जिस समाज से वो आते हैं, वो समाज 2 बार चुनाव हारा है, तो फिर कांग्रेस वहां पर बड़े मंथन के दौर में है। श्रुति चौधरी वहां पर 2 बार चुनाव हारी हैं, वो बतौर जाट नेत्री भी मानी जाएंगी, जाट समाज की नेत्री हैं वो, चौधरी बंसीलाल की सुपौत्री हैं। और जो मैं आपको बता रहा था, एक तो कारण ये कि उनका 2 बार का हारना ये उनके लिए आड़े आ रहा है, और दूसरा राज्यसभा की वोटिंग कहीं ना कहीं किरण चौधरी को परेशान कर रही है। मेरे राजनीतिक सूत्र ये बता रहे हैं कि अब की बार राहुल गांधी किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी की और कांग्रेस आला कमान की पूरी नज़र है एक एक सीट पर कि किसको कहां देना है। और मैडम किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के मामले में
श्रुति चौधरी के साथ तो बात आ रही है कि लगातार वो दो बार चुनाव हार गई, और मैडम किरण चौधरी के लिए ये बात आ रही है कि उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में कहा तो ये जा रहा है कि जब भी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का नाम आगे आता है तो अजय माकन सामने आ जाते हैं। अजय माकन कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, कांग्रेस का बड़ा नाम है, और वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, यानी कि गांधी परिवार और कांग्रेस आला कमान के बहुत नज़दीक है। और अजय माकन के साथ में अगर ये हुआ, जिसको कि छल, जिसको कि विश्वासघात की श्रेणी में लिया जा सकता है, और बताते हैं कि इसको लेकर के राहुल गांधी बहुत गंभीर हैं, और इस सब को लेकर के कहा यह जा रहा है कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर इनकी टिकट पर बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। कहा यह जा रहा है कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर अब नए तरीके से मंथन है, और उस मंथन के अंदर संभवतः श्रुति चौधरी या किरण चौधरी, यानी कि माँ बेटी, किसी के नाम पर भी मोहर लगने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि अब भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर राव दान सिंह की लॉटरी लग सकती है। तो मैं आपको फिर दोहरा दूं वो बात कि अजय माकन वाला केस, जिसके अंदर की राज्यसभा चुनाव, हालांकि किरण चौधरी कई बार सफाई दे चुकी हैं, कह चुकी हैं, और कहती हैं कि मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं पक्की कांग्रेसी हूं, लेकिन ये बात जरूर सामने निकल करके आ रही है कि राज्यसभा चुनाव में उस मतदान के दौरान उस वोट को लेकर कुछ तो हुआ था कि जिसके चलते कांग्रेस बहुमत में होते हुए कांग्रेस की सीट निकलनी चाहिए थी, लेकिन अजय माकन चुनाव हार गए थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या राज्यसभा के चुनाव का भूत, वो जिन अब निकल कर सामने आ खड़ा हुआ है, क्या राज्यसभा के चुनाव में जो भी हुआ था वो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के लिए खतरे की घंटी बन सकता है? और क्या जो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के अंदर ये बड़ा मंथन है कि जो नेता लगातार दो बार चुनाव हारे हैं, जो समाज के नेता चुनाव हारे हैं, उसको लेकर कांग्रेस बड़े मंथन के दौर में, तो ऐसे में क्या किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी के लिए खतरे की घंटी है, और राव दान सिंह के लिए कोई भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए शुभ संकेत आ सकता है? वैसे तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कांग्रेस की कैंडिडेट सूची का, जो संभवतः कल यानी कि 19 तारीख को आने की उम्मीद है। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।